हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए मजेदार से वीडियो में। दोस्तों, आप क्या ये हॉलीवुड वगैरह के गाने गाते रहते हो? आज मैं आपको एक ऐसे मूवी के बारे में बताऊंगा जिसके क्रिएटिविटी के सामने हॉलीवुड अभी एक छोटा बच्चा है। कंटारा। मैं जानता हूँ 99% लोग इस नाम को पहली बार सुन रहा है, पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आपका भाई इधर किस लिए है? मैं बताऊंगा आपको इस मूवी के बारे में, लेकिन उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट। देखो, मैं पहले ही बता दिया है कि स्टोरी स्पॉइल हो सकता है, इसलिए बाद में कमेंट्स में गालियां मत मिलना। कंट्रोल। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। कहानी एक छोटे से पत्थर से जुड़ी हुई है जो कि पूरे गांव का रक्षा करता है। गांव वालों का मानना है कि इस पत्थर में खुद भगवान की शक्ति मौजूद है। इस पत्थर का सीधा कनेक्शन एक डेमीगॉड से, इंसान सा दिखने वाला एक भगवान जिसके पास सारी बुराइयों से लड़ने की शक्ति है। अब दिक्कत यह है कि गांव फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है, इसीलिए खाने पीने की जरूरतों के लिए पेड़ काटे जाते हैं और जानवरों का शिकार होता है। लेकिन अब सरकार इस जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। पेड़ और जानवरों को बचाने के लिए पुलिस के यूनिफॉर्म में एक फरिश्ता आता है। अब कहानी में आएगा असली ट्विस्ट, ध्यान से सुनना, बाद में मत बोलना कि अबे तेरे को तो कहानी सुनाना नहीं आता, तू तो नल्ला है ये वो, इसलिए ध्यान से सुनना। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। उसे गांव के ऊपर एक राक्षस का नजर है जिसका चेहरा रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्लान बड़ा ही खतरनाक है। इसके पास काले जादू का शक्ति है। यह इंसान और भगवान दोनों को ही अपने बश में कर सकता है अपने मीठी मीठी बातों से। ये गांव के रक्षा करने वाले डेमी गॉड और पेड़ जानवरों को बचाने आए फरिश्ता इन दोनों को आपस में लड़ाना चाहता है। सब मर जाएंगे तो राक्षस आराम से बैठ के उनका खून पिएगा, जमीन भी उसकी, जान भी उसकी। पर अचानक से सब कुछ बदल जाता है जब भागते भागते एक रात ये डेमी गॉड कहीं गायब हो जाता है और लौट कर वापस नहीं आते। अब गांव के लोगों को राक्षस से कौन बचाएगा? फरिश्ता तो पेड़ और जानवरों को बचाने आया था, लेकिन अब उसको इंसानों से कौन बचाएगा? देखो यार, कंटारा की कहानी उन सभी फिल्मों से अलग है जिनको अपने अपनी पूरी जिंदगी में देखी है। एकदम यूनिक हटके कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सस्पेंस, थ्रिल, हॉरर, फैंटेसी, क्राइम, ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसके लेवल को मैच करने वाला हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड अभी कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। इस मूवी की विजुअल्स इतने खतरनाक और इतने रियल है कि आपके दिमाग से तो वो सीन्स हटेंगे ही नहीं। और म्यूजिक तो ऐसा है कि रात को अकेले में सुसु करने के लिए जाने में भी आपको डर लगने लगेगा। मेरे को नहीं, रात को अकेले में सोने में भी डर लगने लगेगा। एडिटर, वो सुसु वाला लाइन हटा देना। यार मैंने स्टार्टिंग में बेकार में ही स्पॉइलर अलर्ट बोल के आधे से ज्यादा ऑडियंस को तो मैं भगा दिया यार, जबकि स्पॉइल तो मैंने स्टोरी में कुछ भी नहीं किया। शिट। तो यार, जो भी अब तक इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को कर रहे यार। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।